हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। हमें पता है आरबीआई क्या होता है। आरबीआई जो होता है वो सभी बैंक्स का बैंक होता है, मतलब जो भी बैंक्स में हम जाते हैं उसके जो रूल्स वगैरह हैं वो आरबीआई डिसाइड करता है कि बैंक को कितना, मतलब कौन सी फैसिलिटीज़ कब प्रोवाइड करनी है, क्या कितनी कैपिटल प्रोवाइड कितनी करनी है, कितने अगर उसके ऐसे डाउटफुल, सब कुछ आरबीआई डिसाइड करता है। तो हमारे आरबीआई के फंक्शंस कौन कौन से हैं, एक ट्रेडिशनल फंक्शन है और एक डेवलपमेंट फंक्शन है। ट्रेडिशनल फंक्शन कौन कौन से हैं, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन। ट्रेडिशनल फंक्शन कौन कौन से हैं, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, जनरल बैंकिंग फंक्शन और प्रोहिबिटरी फंक्शन। और डेवलपमेंट के अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं गाइस, इसको हम आगे मतलब फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। ये डायग्राम है, सबकी बुक्स में भी है, अगर आप चाहें तो बुक्स में भी देख सकते हैं। हम इसको लाइन वाइज, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट, आरबीआई क्या है। आरबीआई इज़ इंडियाज सेंट्रल बैंक। आरबीआई जो वो है वो इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है। विच कंट्रोल्स दी इशू एंड सप्लाई, जो इशू की और सप्लाई को कंट्रोल करता है हमारी इंडियन रुपये की, कि कितने इंडियन करेंसी मतलब नोट इशू करने हैं, कितने डिस्ट्रॉय करने हैं, सब कुछ कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। आरबीआई इज़ द रेगुलेट ऑफ इंटायर बैंकिंग इन इंडिया। आरबीआई जो पूरे इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं सबको रेगुलेट करता है। आरबीआई प्लेज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आरबीआई है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे डेवलपमेंट होती है, अगर मतलब डेवलपमेंट करने के लिए। आरबीआई बैंक्स के लिए ऑलमोस्ट सारे रूल्स रेगुलेशंस प्रिपेयर करता है, ठीक है। इसका हमने डायग्राम यहाँ पे देख लिया। इसके अब हम फंक्शंस देख रहे हैं आरबीआई का। फर्स्ट फंक्शन था हमारा ट्रेडिशनल फंक्शन। ट्रेडिशनल फंक्शन में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, इशू ऑफ पेपर करेंसी। अब हमारी जो आरबीआई है वो पेपर करेंसी इशू करती है, कॉइन्स नहीं इशू करती है आरबीआई। आरबीआई सिर्फ पेपर करेंसी ही इशू करती है, जो उसका डिज़ाइन है, उसकी प्रिंटिंग है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस है, उसको आरबीआई इशू करती है। बैंक इशू एंड एक्सचेंज, आरबीआई का जो बैंक है वो इशू और एक्सचेंज और डिस्ट्रॉय। जब अभी पीछे हमें पता है नोटबंदी हुई थी तो 500 और 1000 के नोट्स डिस्ट्रॉय किए थे, वो आरबीआई ने किए थे। बैंक इशू एंड एक्सचेंज और डिस्ट्रॉय करेंसी एंड कॉइन्स नॉट फिट इन द सर्कुलेशन। जो नोट्स हमारे ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं या हमारी सर्कुलेशन में फिट नहीं बैठते, उनको आरबीआई एक्सचेंज कर देता है। गोल ऑफ इंश्योरिंग एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्लीन एंड जेन्युइन नोट, मतलब गोल क्या होता है उनका, कि उनको पब्लिक को जेन्युइन एंड क्लीन नोट प्रोवाइड करना। जो मतलब नोट जैसे फटा हुआ होता है, दुकानदार कई बार लेने से मना कर देता है ना, ऐसे नोट्स को आरबीआई डिस्ट्रॉय कर देती है। द नेक्स्ट पॉइंट, बैंकर्स ऑफ बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने आपको क्या बताया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंक्स का बैंक है, वही पॉइंट है बैंकर्स ऑफ बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंक ऑफ ऑल दी बैंक्स इन दी कंट्री। इट एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। ये एक्ट करता है, मतलब जो उधार देते हैं बैंक्स को, तो ये जो आरबीआई है ये सभी बैंक्स को उधार देता है। जो हमारे नॉर्मल बैंक्स हैं, पंजाब नेशनल, आईसीआईसी बैंक, ये हमें कस्टमर्स को लोन देते हैं ना, वैसे जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स, जो हमारे वाले बैंक होते हैं वो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, और एक कमर्शियल बैंक्स के ऊपर बैंक्स होते हैं वो आरबीआई होते हैं। जो आरबीआई होती है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देते हैं, और कमर्शियल बैंक्स आगे हम कस्टमर्स को लोन देते हैं, वही लिखा हुआ है। इट एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट ऑफ देम। द शेड्यूल्ड बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। जो हमारे कमर्शियल बैंक या शेड्यूल बैंक कह सकते हैं उनको, वो बोरो करते हैं मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑन द बेसिस ऑफ कुछ सिक्योरिटी और कुछ फाइनेंशियल अकोमोडेशन के बेसिस पे, और आरबीआई उनको लोन देती भी है। आरबीआई गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक्स ड्यूरिंग टाइम फॉर एमरजेंसी। जब उन्हें बहुत इमरजेंसी होती है तब उन्हें लोन प्रोवाइड करती है आरबीआई, मतलब जो कह सकते हैं ना, वो मंदी का दौर चल रहा होता है काफ़ी बार, मतलब लोन्स लेके कस्टमर्स वापस नहीं करते और भी प्रॉब्लम्स काफ़ी आ जाती हैं, तो उसमें इमरजेंसी में हमें बैंक्स को कौन पैसे प्रोवाइड करता है, आरबीआई। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट। पहले मीनिंग समझेंगे। रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट मतलब क्रेडिट को कंट्रोल करना। क्रेडिट जैसे हम बैंक्स के पास जाते हैं, बैंक्स काफ़ी लोन देती है ना, ये तो है नहीं बैंक जो भी आता है उसको भी लोन दे देती है, तो बैंक्स में कुछ रेगुलेशंस बनाए होते हैं आरबीआई ने, कि उस बैंक को किन किन मतलब किस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद उन लोगों को लोन देना है,
ठीक है, एक रेगुलेशन बनाया होता है, मतलब एक रूल बनाया होता है जिसको फॉलो करके हम लोन दे सकते हैं, ऐसे ही हर किसी को नहीं देते। रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू कंट्रोल ओवर द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। ये आरबीआई ने ये क्यों बनाया है, ताकि वो जो क्रेडिट पॉलिसी, जो बैंक्स हर किसी को उधार दे दें ऐसे, तो अगर वो ये वाली मतलब रेगुलेट ना करें ना क्रेडिट पॉलिसी को, तो बैंक्स हर किसी को उधार दे दें। सो आरबीआई कंट्रोल द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, आरबीआई ने कंट्रोल किया कि हमने उधार सिर्फ कम से कम देना है। उन्होंने ना एक परसेंटेज डिसाइड कर दी बैंक्स के लिए कि आप इतना परसेंट ही लोन दे सकते हो। अब बैंक के पास कैश ही कम होगा, तो वो जो भी उनके पास कस्टमर लोन लेने के लिए आएगा, सबके पहले मतलब सारी डिटेल्स लेगी, इंफॉर्मेशन लेगी, सारा चेक करेगी कि वो वापस करेगा या नहीं करेगा, तभी उसे लोन प्रोवाइड करेगी। आरबीआई कैन अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स टू कंट्रोल क्रेडिट, आरबीआई ने डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। एक तो उसने सीआरआर, हमने पीछे देखा था वीडियोस में, एक उसने सीआरआर कभी बढ़ा देता था कभी कम कर देता था, एक एसएलआर करता था। अब उसमें लिखा है एक बैंक इंटरेस्ट रेट, जैसे हम लोन लेते हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो रेट बढ़ा देता है कि लोग लोन कम लें। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेलेक्टिव मेथड, सीआरआर, सब मतलब हमें जितने हमें पॉइंट सूटेबल लगते हैं, हमें जितने लगते हैं हम याद कर सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं इसमें। तो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, सीआरआर की रेशो बढ़ा देता है, एसएलआर की रेशो बढ़ा देता है, और भी काफ़ी चीज़ें करता है। द नेक्स्ट पॉइंट है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स का तो बैंकर है ही है, वो गवर्नमेंट का भी बैंकर है। मतलब गवर्नमेंट को भी अगर कभी मनी फैसिलिटी की कोई ज़रूरत पड़ती है तो आरबीआई ही प्रोवाइड करता है। आरबीआई एक्ट एज द बैंकर टू गवर्नमेंट, इट एक्सेप्ट मनी फॉर द अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जो आरबीआई है ये गवर्नमेंट की मनी को भी एक्सेप्ट करता है, मेक्स पेमेंट ऑन देयर बिहाफ एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस एंड मैनेज द पब्लिक डेट्स। और मतलब गवर्नमेंट की मनी को भी ये एक्सेप्ट करता है, और उन्हें मतलब एडवांस टू गवर्नमेंट फॉर ये, मतलब अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो ये उनको लोन दे सकता है। इट गिव्स एडवांस टू गवर्नमेंट फॉर 90 डेज, और ये गवर्नमेंट को एडवाइस भी देता है कि उन्हें मनीट्री ट्रांजैक्शन कैसे करनी चाहिए, बैंकिंग के मैटर्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए। मतलब आरबीआई गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है और कमर्शियल बैंक्स के लिए भी, मतलब दोनों के रूल्स एंड रेगुले कमर्शियल बैंक्स के तो रूल्स डिसाइड करता ही करता है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट की भी बैंकिंग फैसिलिटी इसी के पास है। ओके, द नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रिजर्व बैंक हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रूपी। फॉर दिस पर्पज़ द बैंक होल्ड मोस्ट ऑफ द फॉरन एक्सचेंज रिजर्व्स। देन नेक्स्ट क्या किया आरबीआई का फंक्शन क्या था, रेगुलेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज को रेगुलेट करना, जो फॉरन से हमारे मतलब एक्सचेंज होते हैं। रिजर्व बैंक ने क्या किया, रिजर्व बैंक हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रूपी। मेंटेन की उन्होंने एक्सटर्नल वैल्यू, जैसे हम कभी देखते हैं बाहर की कंट्री का हमारे यहाँ मतलब डॉलर्स में होते हैं ना, जैसे 60 डॉलर 1 रुपी यहाँ पे ऐसा कुछ है, 60 रुपीज़ का 1 डॉलर है जैसे, है ना, वही चीज़ है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपी। फॉर दिस पर्पज़ द बैंक होल्ड मोस्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बैंक्स कई अपने पास फॉरेन करेंसी भी रिजर्व करके रखते हैं, अगर उनके पास मतलब कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए तो वो उसको चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट असिस्टेंस। RBI grant loan to exporters directly or indirectly to promote foreign trade banks of India। जो हमारी RBI है ना, वो exporters को जो मतलब बाहर के country में है उनको directly और indirectly provide करती है loans, क्योंकि जो हमारे Indians हैं जो बाहर की countries में भी मतलब लिवाए करते हैं ना हमारे Indians, तो इसीलिए RBI grant loans to the exporters directly or indirectly to promote foreign trade, जिससे हमारा foreign में मतलब business बढ़ सके। Export assistance RBI grant loan करती है exporters को directly और indirectly to promote foreign trades in of India, ताकि हमारा जो इंडिया का ट्रेड है वो बाहरी countries में भी बढ़ सके। Then next, clearing house facility। RBI हमें क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। RBI ऑल्सो फंक्शन एज क्लियरिंग हाउस, इंटर बैंकिंग ऑब्लिगेशन आर इजली सेटल थ्रू दिस हाउस। क्लियरिंग हाउस हम
थिंक आपको पता होगा कि हम चेक क्लियरिंग करवाने के लिए बैंक में जाते हैं काफ़ी बार, चेक क्लियरेंस करवाते हैं। हमारा अगर कोई चेक में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको क्लियरिंग के लिए डाल के आते हैं, कुछ दिनों में वो क्लियर हो जाता है, मतलब बाउंस नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ इफेक्ट हो जाता है तो उसको क्लियरिंग कर देते हैं। जैसे एक हमारी RBI की ब्रांच है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्लियरिंग हाउस ये होता है। जैसे हमारा चेक ना RBI बैंक का है, पर हमारे जो नज़दीक बैंक है वो RBI लिख दिया उन्होंने। हमारा जो चेक है ना वो पंजाब PNB का है, ठीक है, हमारा जो चेक है वो PNB का है, पर जो हमारे नज़दीक बैंक है ना वो ICIC है, हमारा जो चेक है वो ICIC है। तो अगर हम दूर जा नहीं सकते, हम ICIC बैंक में जाएंगे, उसके क्लियरिंग बॉक्स में अपना चेक डाल देंगे, ICIC बैंक के क्लियरिंग बॉक्स में हम अपना चेक डाल देंगे कि हमारा ये चेक है इसको क्लियर करना है। तो वो जब मतलब क्लियरिंग बॉक्स में हमने उस चेक को डाल दिया तो वो खुद ब खुद चेक को PNB में भेजेंगे और उसकी पेमेंट को हमारे ट्रांसफ़र होगी। तो पेमेंट है हमारी, एक चेक से हमने रिसीव करनी है वो चेक, अब हम लगाने के लिए दूसरे बैंक नहीं जा सकते, तो हम इस बैंक के क्लियरिंग बॉक्स में उस चेक को डाल देंगे। रोज़ शाम को बैंक्स में पोस्टमैन आते हैं, वो क्लियरिंग बॉक्स खाली करते हैं, जिस ब्रांच का जो चेक होता है उसको उस ब्रांच में पहुँचाते हैं। थोड़ा सा क्लियर हुआ, वही है। RBI ऑल्सो फंक्शन एज क्लियरिंग हाउस, RBI भी क्लियरिंग हाउस की तरह ही काम करता है। इंटर बैंकिंग ऑब्लिगेशंस, जो बैंकिंग के अंदर की ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको ईजिली सेटल कर देता है थ्रू दिस हाउस, क्लियरिंग हाउस के थ्रू वो उस ऑब्लिगेशंस को ईजिली सॉर्ट आउट कर देता है। मैंने जो आपको ये बताया क्लियरिंग हाउस, ये नॉर्मल बैंक्स में होता है, कमर्शियल बैंक्स में, RBI में ये है। RBI ऑल्सो फंक्शन एज क्लियरिंग हाउस, RBI भी इसी की तरह काम करता है, बताया उन्होंने, मैंने जस्ट क्लियरिंग हाउस एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। देन नेक्स्ट, चेंज ऑफ करेंसी, अगर हमें कोई अपनी करेंसी चेंज करानी है तो ऑब्वियस है वो RBI एक्सचेंज करेगा। RBI चेंजेस बिग नोट्स इनटू स्मॉल वंस एंड स्मॉल नोट इनटू कॉइंस, ठीक है। देन ट्रांसफ़र ऑफ करेंसी, बैंक्स ऑल्सो फैसिलिट दी ट्रांसफ़र ऑफ करेंसी। देन नेक्स्ट, पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, रिजर्व बैंक पब्लिश डाटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज मनी, क्रेडिट, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जो पब्लिक कर मतलब रिजर्व बैंक RBI का है। इसमें और भी एक फंक्शन क्या है कि डाटा को पब्लिकली शो करना कि कितना फाइनेंस है, कितना क्रेडिट है, कितना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एरिया के लिए, कितना मतलब एक साल के बाद एक बजट नहीं पेश करते, जैसे बजट पेश होता है ना वैसे ही होता है कि हमें एग्रीकल्चर के लिए इतना हमें प्रोवाइड किया जाता है और RBI की तरफ से, और इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए इतना प्रोवाइड किया जाता है। द नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर नेशनलाइज्ड बैंक, RBI हैज़ वाइड पावर ऑफ सुपरवाइजन एंड कंट्रोल ओवर कमर्शियल, कोऑपरेटिव एंड रीजनल बैंक्स। RBI के पास बहुत सारी पावर्स हैं सुपरवाइज करने के लिए एंड कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव विद रीजनल बैंक्स, और उनको कंट्रोल करने के लिए। देन ट्रेनिंग, RBI ने ना काफ़ी सारे ट्रेनिंग सेंटर्स भी ओपन किए हैं, जैसे RBI हैज़ ओपन फॉलोइंग वेरियस ट्रेनिंग सेंटर्स टू प्रोड्यूस टैलेंट बैंकर्स, बैंकर्स जो टैलेंटेड हैं उनको ट्रेन करने के लिए। फर्स्ट एक कॉलेज बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज, काफ़ी सारे कॉलेज अलग अलग स्टेट्स में खोले हैं, जैसे पुणे, चेन्नई, अलग अलग। देन नेक्स्ट गाइस, हमारा जनरल बैंकिंग फंक्शन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है। ओके।